दोस्तों स्वागत है आपका नॉट अ लॉन्ग स्टोरी में और आप देख रहे हैं बिजनेस तड़का। आज हम बात करने वाले हैं सनरूफ्स की। जो आपने कार्स के ऊपर देखा होगा ना, आजकल बड़ा ट्रेंड चलता है कार के ऊपर सनरूफ्स को आगे पीछे करने का। भारत का सनरूफ्स के ऊपर फैसिनेशन बढ़ता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने ब्रांड्स आ रहे हैं कार के आज की तारीख में, उनमें से आधों में सनरूफ आ रहा है। और उसके कारण है, उसका ऐसा कारण माना जा रहा है कि 5 साल पहले तक जितनी कारें भारत में बिकती थी उनमें से मात्र 7% में सनरूफ होता था, लेकिन अब डिमांड बढ़ने के कारण हर चौथी कार जो भारत में बिकती है उसमें सनरूफ होता है ना। 27% कारें जो भारत में बिक रही हैं वो सनरूफ वाली है। 7% से 27% की ग्रोथ पिछले 5 सालों में हुई है। ऐसा माना जा रहा है जिन मॉडल्स में सनरूफ है उसकी 55% तक बिक्री बढ़ रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सनरूफ होता है वो एयर के लिए और सनलाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत एक हॉट कंट्री है, एक वार्म कंट्री है, ट्रॉपिकल, तो यहाँ पे एक्चुअली इसकी इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कार को एक प्रीमियम फील देता है, जिसके कारण लोगों ने इसकी खरीदारी काफ़ी बढ़ा दी है भारत में। जैसे एग्जाम्पल दें क्रेटा का। क्रेटा एक बड़ी फेमस कार गाड़ी है। जब इन्होंने अपना नया वर्जन निकाला विथ सनरूफ, उसकी सेल्स 70% ज़्यादा हुई नॉन सनरूफ वेरिएंट्स के कंपैरिजन में। और यही चीज़ मानी गई है बाकी कार्स के लिए भी जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं। यानी भारत का आदमी जो नॉर्मली थोड़ा सा पैसे के मामले में काफ़ी सोच समझ के खर्चा करता है, वो सनरूफ के लिए 50 से 60 हज़ार रुपये ज़्यादा देने के लिए तैयार है। ये कहीं ना कहीं भारत के ग्रोइंग मिडिल क्लास के एस्पिरेशन को दिखाता है, नए ट्रेंड्स को दिखाता है। और इसी प्रकार के वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे। आपका विचार जो भी है इस वीडियो के बारे में बताइएगा ज़रूर।